नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट और पिछले 14 साल से न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किसी को टेनिस एल्बो की समस्या है। टेनिस एल्बो एक बीमारी का नाम है जो खास तौर से जो टेनिस खेलते हैं उन खिलाड़ियों को होती है, और ये खास तौर पर एक हमारे बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर यानी कि सचिन तेंदुलकर को भी ये दिक्कत हुई थी, जिसकी वजह से आपकी ये मूवमेंट खत्म हो जाती है, यानी कि कोहनी की मूवमेंट में पेन आता है। आप ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ लिगामेंट में स्वेलिंग आ जाती है। तो उसके लिए न्यूरोथेरेपी के कुछ पॉइंट्स हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ दो तीन टिप्स दूंगा जिसके से कि आप ये टेनिस एल्बो की समस्या को तुरंत दूर कर सकते हैं, तुरंत आराम आ सकता है। देखिए, सबसे पहले पेशेंट को आपको सीधे लेकर आना है। मान लीजिए इस हाथ में इनको टेनिस, तो इस हाथ में हम दे देते हैं इनको, मान लीजिए इस हाथ में इनको टेनिस एल्बो की दिक्कत है, यानी कि इस हाथ में इनको मूवमेंट ठीक से नहीं हो रही। तो सबसे पहले ये हाथ सीधा रखेंगे हम। यहाँ इन्होंने पूरा कमीज लगा, वो कपड़ा है तो हम यहाँ, अगर कपड़ा नहीं है तो हम कॉटन लगा सकते हैं, और यहाँ से दबाते हुए नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह बार इसको रबिंग करना है। और दूसरा, इसके बाद में सेकंड स्टेप में इस तरीके से इनको 90 एंगल पर इस हाथ को रखना है, और इस पैर को इस तरीके से सेट करना है कि इनको दर्द ना हो, और यहाँ से 90 सेकंड के लिए ये पैर यही रहेगा, और इस हाथ का सर्कुलेशन हम लोग होल्ड करते हैं, यानी कि ये सर्कुलेशन रुक जाएगा। इस सर्कुलेशन को रुकने के बाद में 90 सेकंड मान लीजिए हो जाता है, तो हाथ ये धीरे धीरे इनका सुन्नपन आना शुरू हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, यानी खून का प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे ही 90 सेकंड होते हैं, उस 90 सेकंड के बाद में हल्का सा इनको हाथ को पकड़ना है और ऊपर की तरफ ट्विस्ट करना है। एक, दो, तीन, और फिर तुरंत आपने ये सीधा कर दिया। इससे क्या कि जब टेनिस एल्बो में क्या कि यहाँ की जो मसल्स की सेटिंग है वो बिगड़ जाती है, वो ऊपर नीचे हो जाती है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट खत्म हो जाती है। तो सबसे पहले हमने यहाँ सर्कुलेशन बढ़ाया, उसकी मसल्स को सर्कुलेशन दिया। दूसरा, फिर हमने ये 90 एंगल पर रखकर यहाँ होल्ड करके पैर से होल्ड कर फिर यहाँ सर्कुलेशन रोका इस मसल में, और उसकी सेटिंग करी हमने ऐसे रखकर। इस तरीके से आराम से आप पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ तीन बार जर्क देंगे। एक, दो, तीन, और उसके बाद में ये छोड़ देंगे। तो इस प्रकार आप टेनिस एल्बो की समस्या में भी तुरंत राहत दे सकते हैं। ये देते ही मसल सेट हो जाती है, और जो कोहनी की जो मूवमेंट है, यानी कि ये इसकी पूरी मूवमेंट फ्री हो जाती है, और अपने कलाई अपना आराम से काम कर सकती है। इसके साथ में इसको थोड़ा सा हम थाइमस को भी स्टिमुलेट करते हैं। थाइमस आपके पेन को रिलीफ करने के लिए देते हैं। ये हमारा थाइमस पॉइंट होता है, इसको तीन बार, एक, दो, तीन, और एक, दो, तीन, ये तीन बार आपने, मतलब तीन बार इधर और तीन बार इधर, यानी कि निप्पल्स के बीचों बीच, जिसको हम आमतौर पर सूर्य चक्र भी बोलते हैं, इस सूर्य चक्र पर तीन बार इधर और तीन बार इधर रब करना है, और आधे मिनट के बाद में दोबारा से रब करना है, और आधे मिनट के बाद में दोबारा से रब करना है, यानी कि ये तीन बार हमें तीन सेट देने हैं, तीन बार इधर और तीन बार इधर। जो क्रॉसिंग पॉइंट है वो हमारा थाइमस का है, जिसको हम सूर्य चक्र भी बोलते हैं। यहाँ पर आप महसूस करेंगे ये छोटा सा गड्ढा है, इसको स्टिमुलेट करने का हमारा लॉजिक ये है क्योंकि थाइमस क्या है, आपकी पुरानी इंजरीज को हील करता है। क्योंकि टेनिस एल्बो 99.99% उन लोगों को आती है जिनकी फिजिकल एक्टिविटी इस हाथ की ज्यादा होती है, तो उस मस्कुलर पेन के लिए हम थाइमस पॉइंट देंगे। तो इस प्रकार इन तीनों पॉइंटों की मदद से हम टेनिस एल्बो में भी तुरंत राहत ले सकते हैं। धन्यवाद।